Hi guys, my name is Rishabh और आज हम लोग बात करेंगे पांच ऐसी किताबों के बारे में जिन्होंने मेरी स्टूडेंट लाइफ को एकदम बदल के रख दिया। एंड आई एम श्योर अगर आप ये किताबें पढ़ोगे तो आपकी लाइफ भी डेफिनेटली चेंज होगी फॉर द गुड। हम लोग यार किताबों को उतना महत्व नहीं देते, हमें बस ऐसा लगता है कि किताबों का मतलब है हमें नंबर दिलवाना। जो स्कूल की किताबें होती हैं, हमारे कॉलेज की किताबें, एग्जाम की किताबें, बस वही किताबें होती हैं, हमें ऐसा लगता है। लेकिन नहीं यार, किताब हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती है। ऐसा कहते हैं कि अगर आपको एक अच्छी किताब मिल जाती तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो इसी तरह से ये पाँच किताबें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगती हैं और आपको अगर आप एक स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर हो, पढ़नी चाहिए और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो पहली किताब है वो है द एल्केमिस्ट बाय पॉलो कोएलो। पॉलो कोएलो एक नॉवलिस्ट हैं, उन्होंने ये फिक्शन बुक लिखी है और ये बहुत खूबसूरत किताब है। वो डायलॉग सुना है ना हमने कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो और पूरी कायनात तुम्हें मिलाने में लग जाएगी, राइट? ये एक्चुअल में इस किताब का डायलॉग है और इस डायलॉग को बिगाड़ दिया बॉलीवुड ने। इस डायलॉग का मतलब है कि अगर तुम किसी चीज़ को, अपने ड्रीम को सच में चाहते हो ना, शिद्दत से, बहुत डिज़ायर से। एक तो होता है यार विश, एक होता है डिज़ायर। विश और डिज़ायर में फ़र्क होता है। विश होता है चाह और डिज़ायर होता है जुनून। अगर किसी चीज़ का जुनून है तो पूरी दुनिया तुम्हें उसे मिलाने में लग जाएगी। ऐसी कुछ पावर्स हैं ये किताब हमें सिखाती है। बहुत सुंदर किताब है, एक लड़के के ऊपर, सैंटियागो, जिसने अपने ड्रीम को कैसे फुलफिल किया, कितनी दिक्कतें आई उसके रास्ते में। जब ये किताब पढ़ोगे तब ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैं जो है सस्पेंस खराब नहीं करना चाहता, यू शुड डेफिनेटली रीड दिस बुक। दूसरी किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, रिटन बाय नेपोलियन हिल। ये किताब हमें सिखाती है कि किस तरह से अपनी लाइफ में सिर्फ रिच नहीं बल्कि हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। एक 13 स्टेप का फॉर्मूला बनाया है नेपोलियन हिल ने। अब नेपोलियन हिल कौन है? इन्होंने ऐसे कैसे कुछ मनगढ़ंत बना दिया? ये कोई मनगढ़ंत चीज़ नहीं है। नेपोलियन हिल ने अपने समय के 500 सबसे अमीर लोगों का इंटरव्यू किया, उनसे मिले, जिनमें इंक्लूडेड थे एंड्रयू कार्नेगी, थॉमस एडिसन, निकोला टेस्ला। आपको पता नहीं होगा एंड्रयू कार्नेगी इज द सेकेंड मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन अमेरिकन हिस्ट्री, जॉन डी रॉकफेलर के बाद। जेफ बेजोस से डबल उनकी नेटवर्थ थी। तो ऐसे अमीर लोगों से मिले, सक्सेसफुल लोगों से वो मिले और उन्होंने जाना, कुछ ट्रेड्स को ऑब्जर्व किया कि सक्सेसफुल लोगों में क्या राज होते हैं, क्या उनका सक्सेस का फॉर्मूला होता है। और 13 स्टेप का उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया जिसे अगर हम फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हमें सक्सेस मिलती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर इस बुक का वो है डिज़ायर, कि किसी भी सक्सेस की, किसी भी वेल्थ को अकुमुलेट करने के जो प्रोसेस है उसकी शुरुआत होती है एक डिज़ायर से। अगर हमें किसी चीज़ का जुनून नहीं है ना, देखो अगेन यहाँ पे विश और डिज़ायर में फ़र्क आ जाता है। हर बच्चा चाहता है टॉपर बनना, लेकिन जिसे जुनून होता है, जो 18-18 घंटे लगा सकता है रोज़, घिस सकता है अपने आप को, ओनली दैट पर्सन इज़ एबल टू अचीव हिज गोल्स। बहुत सुंदर किताब है, आपको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। 70 रुपये की किताब, छोटी सी, आप खरीद सकते हो। तीसरी किताब है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। हमारी इंडियन सोसाइटी में, हमारी फैमिलीज में मनी के बारे में कभी कोई बात नहीं होती, इसलिए हम सब फाइनेंशियली इलिटरेट रह जाते हैं। ना स्कूल में मनी की बात होती है, ना घरों में होती है, ना हमारी सोसाइटी में कोई करता है। रिच डैड पुअर डैड आपको सिखाएगी कि क्या डिफरेंस होता है एक रिच पर्सन की मेंटालिटी में और एक पुअर पर्सन की मेंटालिटी में, क्या क्या ट्रेड्स होते हैं, क्या डिफरेंस है, क्या उनके परसेप्शन का फ़र्क होता है, राइट? जो रिच है वो कैसे टैक्स बचाते हैं, किस तरह से जो है वो इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे को, किस तरह से वो अपने पैसे को काम पे लगाते हैं। आपको डेफिनेटली ये किताब पढ़नी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके फाइनेंस के फंडामेंटल्स को ये बिल्ड कर देगी बहुत अच्छे से। डेफिनेटली अ मस्ट रीड फ्रॉम माई साइड। चौथी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। अब ये किताब शायद से आपने पहले से पढ़ रखी हो या इसके बारे में सुना हो। हमारे यार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो स्किल होती है वो होती है रिलेशनशिप बिल्ड करने की स्किल। किस तरह से हम अपने दोस्त बना दें, किस तरह से लोगों को ट्रीट करते हैं, एक लीडर में और एक बॉस में क्या डिफरेंस होता है, राइट? किस तरह से हम फ्रेंडशिप कर सकते हैं लोगों से पहली मुलाकात में। फ्रेंडशिप का मतलब यार ये नहीं होता यारी दोस्ती जो हमारी होती है। फ्रेंडशिप का मतलब हम सामने वाले को ऐसे इन्फ्लुएंस कर दे कि वो हमारी बात मानने को राजी हो जाए, राइट? किस तरह से हम लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, ये किताब आपको सिखाएगी। डेफिनेटली आपको पढ़ लेनी चाहिए, चाहे आप 8वीं क्लास में हो, 10वीं में, क्योंकि लोगों के साथ डील करना हमें छोटी एज से आ जाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो 2री 3री 4थी क्लास से हमें लीडरशिप की क्लासेस दे देनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में नहीं दी जाती। बहुत कम लोग होते हैं जो कि लीड कर पाते हैं। और जो एक सक्सेसफुल लीडर होता है ना, वही अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनता है, वही वेल्दी होता है और वही आगे जाके जो है लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। 5वीं किताब द वन थिंग बाय गैरी केलर। ये किताब टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है, प्रोडक्टिविटी के ऊपर है। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एज, हर क्लास के बच्चे के लिए, स्टूडेंट के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम अपना टाइम कहाँ लगा रहे हैं, हर एक आदमी के पास 24 घंटे होते हैं। जो बिलियनर्स होते हैं वो अपना टाइम कैसे मैनेज कर रहे हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं वो कैसे मैनेज कर रहे हैं, जो टॉपर है वो कैसे कर रहे हैं। ये किताब हमें कुछ प्रिंसिपल्स सिखाती हैं, जैसे कि 80-20 प्रिंसिपल, पैरेटो प्रिंसिपल जिसे कहते हैं, पार्किंसंस लॉ। ये सुनने में खतरनाक लग रहे हैं लेकिन एक्चुअल में बहुत सिंपल चीज़ें हैं। ये प्रिंसिपल्स हमें सिखाते हैं कि किस तरह से हम अपने टाइम का चार्ज ले सकते हैं, किस तरह से हम अपने टाइम को मैनेज करके जो है ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। एक घंटे का काम हम किस तरह से 20 मिनट
साइड में कर सकते हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर अगर हम फोकस करना स्टार्ट कर दें तो जो बेकार की चीज़ों के ऊपर हम टाइम वेस्ट कर रहे थे बुलशिट चीज़ों पे, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, इसके बाद बाकी की चीज़ें हो गई, राइट, तो उन सबसे कैसे हम बच सकते हैं। बहुत सुंदर किताब है, आपको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। तो ये थी मेरी 5 किताबों की रिकमेंडेशन स्टूडेंट्स के लिए। मैं और भी बुक की रिकमेंडेशन बनाता रहूँगा, मैं काफ़ी किताबें पढ़ रहा हूँ आजकल। अगर आपको कोई किताब अच्छी लगती तो आप कमेंट मुझे बता सकते हो, तो मैं उसे भी रीड करूँगा डेफिनेटली। और अगर आप जानना चाहते हो कि किस तरह से मैं किताबों को जल्दी जल्दी रीड करता हूँ, अभी फ़िलहाल मैं एक हफ्ते में 1.5 से 2 किताबें पढ़ लेता हूँ, किस तरह से मैं पढ़ता हूँ, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको पसंद आई होगी। आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।